बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देखती आंखों और सुनते कानों को और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब को नेक अमाल के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बारिश के बाद एक शाइनी डे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जी। तो जब बारिश दो या तीन दिन मुसलसल हो तो बारिश के बाद तकरीबन हर घर में कपड़े धोने का इरादा कर लिया जाता है। अगर छत पर चले जाएं तो तकरीबन हर घर में धुले कपड़े तारों पर लटके नज़र आते हैं और चमकीली सी धूप इन पर पड़ रही होती है, तो ये मंज़र मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने सबसे पहले तमाम बिस्तर कंबल वगैरह निकाल कर धूप पर डाल दिए ताकि पहले इन्हें धूप लग जाए जब तक कपड़े धुलते हैं। इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली और जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोए क्योंकि सर्दियों का दिन है छोटा सा और बाकी काम भी करना है। तो कपड़े धोने के साथ साथ मैं जल्दी जल्दी नए लफ्ज़ पे भी बात कर लूँ। तो पिछली वीडियो में जो लफ्ज़ बताया था वो था गिची। तो उर्दू में गिची गर्दन को कहते हैं और गर्दन को हमारी ज़बान में गिची कहते हैं, और आज का नया लफ्ज़ है रूड़ा। इस पर बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। तो कपड़े तो तकरीबन मैंने धो लिए। सारे कपड़ों को धोने के बाद मैंने ड्रायर में ड्राई कर लिए और इसके बाद मैंने धूप पे डाल दिए। और अब मैं आ गई किचन में। तो किचन में जो खाना तैयार करना था तो आसान सा काम है, फिर आलू पुलाव, क्योंकि ये फटाफट बन जाने वाली चीज़ है। तो जल्दी जल्दी से मैंने आलू पुलाव बनाया, साथ में सलाद बना ली, खाना सर्व किया और फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। खाने के बाद मेरे पास पढ़ने आ जाते बच्चे ट्यूशन, तो फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। हम सब ने खाना खा लिया। खाने के बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, और जब मैं बच्चों से फारिग होती हूँ उनको पढ़ा के तो तकरीबन शाम हो जाती है। शाम को बच्चों की फरमाइश थी अम्मी कोई झटपट सी चीज़ बना के दे, चटखारेदार सी मज़े की। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, चलो झटपट भी हो और मज़ेदार भी हो। तो मैंने फिर फटाफट से आलू के पकौड़े बना लिए। मैंने बेसन में सिर्फ तीन चीज़ें डाली हैं, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, नमक, और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने बड़े साइज़ के दो तीन आलू लिए और उनको बड़े बड़े उनके कतले काट के तो इस पेस्ट में उनको डिप किया और फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद इनके ऊपर छिड़काव किया चाट मसाले का और लेमन का, और फिर हो गए जी फटाफट से चटखारेदार स्नैक्स तैयार। हम सब ने मिल के खाए, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। इसके साथ ही मैं अब अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मेरी आज की वीडियो, आज की शाइनी डे की रूटीन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।